अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खरीद से होंगे। चलें जी, आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। लाइट ब्राउन प्याज की है और आधा टीस्पून जीरा डाला, आधा लहसुन डाला। अब मैं इसको कर दिया हूँ बनाई। प्याज लाइट ब्राउन हमारी हो चुकी है। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितने आपको पसंद है। ये है पुलाव मसाला। आप चाहें खुला वाले लें, आप चाहें ब्रांड का ले लें। तीन से चार टेबलस्पून मैंने दही ऐड की है इसके अंदर। इसको भी अच्छी तरह भुनाई कर दूंगी। और ये यखनी बनी हुई रखी हुई है, इसमें सिर्फ मैंने हल्का सा नमक डाल के उबाल लिया था। ये काला मैंने यखनी डाल दी है इसके अंदर। चार से पांच पतली वाली हरी मिर्च डाल दी है। पानी डाल के इसको अच्छी तरह उबाल लिया। इसका देखिए अच्छी तरह हल हो चुकी है यखनी मसाले के अंदर। चावल हमने भिगो दिए हैं 15 मिनट के लिए। यहाँ मैंने काट ली है सलाद, चावल डाल दिए मैंने अच्छी तरह मिलाकर और उसको ढक दूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट के बाद। यहाँ दमीना फरीम खेल लेंगे बाहर अपने खिलौने से जाकर। ये है मेरा सहन, छोटा सा घर है मेरा प्यारा सा। बाहर का व्यू देखे, शाम का टाइम है और पानी वाला आ चुका है। ये है फरीम। यहाँ मैंने अनार छील लिए हैं खाने के लिए। मैं चावल चेक कर लेती हूँ अपने। थोड़ा सा पानी रह गया है, अब मैं लगाऊंगी इसको दम पर अच्छी तरह चलाने के बाद। दो तीन मिनट के लिए और लगाएंगे इसको हम। चेक कर चले जी, चावल को अच्छी तरह चलाने के बाद 5 मिनट के लिए और रखूंगी, क्योंकि नीचे हल्का हल्का सा पानी। चलें जी, मैं बैठ के अनार खा रही हूँ और साजिद का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि वो आते ही खाना खाते हैं। चलें जी, पुलाव तैयार है और सलाद बना ली है। सलाद के अंदर मैंने सारी चीज़ें काट के दही में ऐड कर दिए और अब मैं गूंद रही हूँ आटा सुबह नाश्ते के लिए। नमक ऐड किया मैंने इसके अंदर। आटा गूंदूँगी। आटा गूंदने के बाद मुझे भूख लगी। दमीना बिरयानी खाती है अब ना, पुलाव खाती है दमीना। चले जी, ये चाउमीन रखे भी दीजिए, गरम कर रही हूँ। अपने लिए चावल निकालूंगी और साथ में हम खाएंगे खाना। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बटन दबा दीजिए।